हम लोगों का टॉपिक है आज ईएमएफ एंड सेल. ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी करंट के फॉर्म में कैसे फ्लो होती है. इट इज अ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन ए कंप्लीट सर्किट. उस कंप्लीट सर्किट को थोड़ा सा अब हम स्टडी करते हैं. जैसे हमारे पास एक कन्वेयर बेल्ट है, ये कन्वेयर बेल्ट बहुत सारी लिंक से बनी हुई है और ये सभी लिंक्स जो हैं ये चार्ज पार्टिकल्स हैं. ये सब चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ये एक बेल्ट बनी हुई है. इस बेल्ट से हम कुछ भी काम कर सकते हैं. अगर हम यहां खड़े हो जाएंगे तो बेल्ट हमको यहां ले जाएगी. वर्क इज डन. अगर हमने यहां रास्ते में यहां पर अपनी एक मशीन लगा दी, वो मशीन एक पंखा है, फैन, तो ये अंदर से जाएगा और उस फैन को चलाएगा और चला के इधर निकल के आ जाएगा. अगर ये बल्ब है तो उस बल्ब को जलाएगा, बल्ब को जलाएगा, मोटर को चलाएगा, फैन को चलाएगा, इसके ऊपर आदमी खड़ा हो गया उसको चलाएगा. एंड इट कैन डू मेनी जॉब्स डिपेंडिंग अपॉन द मशीन वी हैव मेड. तो टेक्नोलॉजी से हम जो भी मशीन बनाएंगे ये हमारा काम करेगा. इट मे बी ए मोबाइल फोन, इट मे बी टीवी, इट मे बी लाइट, इट मे बी एनीथिंग. ओके, होना क्या चाहिए कि ये यहां से चल के जाए और जब इस पर जोर लगाएगा तो इसको रुकना नहीं चाहिए. धक्का मार के ऐसे निकलेगा तो पंखा चलेगा, और अगर ये पुश किया और पंखे को नहीं चला पाया तो पूरी बेल्ट बंद हो जाएगी. हम लोग देखते हैं बेल्ट बंद हो जाती है. इसका मतलब इसमें इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि इसको चला सके. एनर्जी देता कौन है, फोर्स लगाता कौन है? तो हमेशा हमको एक सोर्स चाहिए. वी ऑलवेज नीड ए सोर्स विच विल मूव दीज इलेक्ट्रॉन्स बेल्ट, एंड दैट सोर्स वी कैन फिट एनीवेयर. कहीं भी हम वो सोर्स लगा सकते हैं. यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं. तो हमने क्या किया, ये दो पुली है इन दिस अरेंजमेंट, यहां पर हमने ये एक सोर्स लगा दिया. ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये क्या करता है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी इधर से इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचता है और इधर इलेक्ट्रॉन को बाहर ढकेलता है. उसको क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए. इट हैज ए स्टोर ऑफ एनर्जी एंड विद दैट एनर्जी इट अप्लाइज फोर्स एंड गिव्स दैट फोर्स टू दीज इलेक्ट्रॉन्स, गिव दैट एनर्जी टू दीज इलेक्ट्रॉन, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी द इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन मूविंग. ये जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को यहां पर पुश किया, इस इलेक्ट्रॉन ने इसको पुश किया, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, और ये इलेक्ट्रॉन ने फैन को पुश किया. तो जैसे ही हम यहां से स्विच ऑन करेंगे ये इसको पुश करेगा, यहां फैन चल पड़ेगा, ये वाली लिंक यहां पहुंचेगी. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. यहां कौन पहुंचता है, मैंने आपको बताया था, इंपल्स. कौन पहुंचता है, इंपल्स, धक्का. जैसे ही इसने किया पूरी बेल्ट चालू हो गई, तो जो जहां था वहां का वहां वो चलना शुरू कर देता है. सो एनर्जी गेट्स दिस इंपल्स एंड बिकॉज ऑफ दिस इंपल्स द होल थिंग स्टार्ट्स मूविंग. ओके, ये एनर्जी देता है. ये जो एनर्जी देने वाला सोर्स है ये हमको चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन को घुमाए. एनर्जी देने वाले सोर्स अकॉर्डिंग टू अवर नीड हमारे पास बहुत होते हैं. जैसे हमने कुएं में से पानी निकालना है, वन सोर्स इज अवर मस्कुलर फोर्स. बाल्टी लटकाया और हम अपने मस्कुलर फोर्स से, उस समय हुई सोर्स ऑफ एनर्जी अवर बॉडी. हम ये कर सकते हैं कि वहां पर एक मोटर लगा दें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खर्च करके पानी को हम उठा लें. तो जहां कहीं भी हमको मोशन करके वर्क करना है वी नीड सोर्स ऑफ एनर्जी. दिस इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. If it is moving electrons, then it is giving us the output is electrical energy. Okay, तो ये कौन सी एनर्जी उसको देता है जिससे वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके ढकेलता है बाहर? तो आंसर है, इसके पास जिस फॉर्म में एनर्जी है ये उस फॉर्म में देता है.
अब इसमें हमने देखा नेचर में हमारे पास कौन कौन से सोर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देके इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें हमको एक सोर्स मिलता है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, दिस गिव्स एनर्जी। अब एनर्जी के साथ हम लोग गिव शब्द को प्रयोग नहीं कर सकते बिकॉज इट डज नॉट जनरेट एनर्जी। इट गिव्स एनर्जी मीन्स वॉट, इट इज कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर फॉर्म, और जो फॉर्म में एनर्जी इसके पास स्टोर होती है वो फॉर्म होता है केमिकल एनर्जी। तो सेल के पास क्या होती है? केमिकल एनर्जी, और उस केमिकल एनर्जी को यूज करके ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं तो वो उनके पास जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो केमिकल एनर्जी इन द सेल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए सर्किट। उसके बाद यहां जो होता है वो यहां पर फिर से एक कन्वर्शन होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू दिस वर्क एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी रेडिएट आउट हो जाती है। और अगर हम लाइट बनाते हैं देन सम पार्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। अगर हम इससे साउंड सिस्टम चलाते हैं सम पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू साउंड मैकेनिकल एनर्जी। इस तरह से एनर्जी का कन्वर्शन होते जाता है। तो आज जो हम लोग चीज पढ़ने वाले हैं दैट इज कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हु इज हैव स्टोरिंग द केमिकल एनर्जी। सेल दैट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो हम इसकी यूनिट्स पहले बनाते हैं, क्वांटिटीज को समझते हैं। ये हमने एक सेल लगाया है और इस सेल के दो टर्मिनल हैं। एक टर्मिनल को हम पॉजिटिव टर्मिनल और एक को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। ओके, तो हम ये मानते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन आएंगे, सॉरी पॉजिटिव चार्जेस प्लस से निकलेंगे और ऐसा मूव करके माइनस में आएंगे और फिर सेल के अंदर माइनस से प्लस में जाएंगे। अब ये जो सेल है ये सेल का इनसाइड है और ये सेल के लिए आउटसाइड है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द पॉजिटिव चार्जेस मोशन? द पॉजिटिव चार्जेस मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। द पॉजिटिव चार्जेस मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल आउटसाइड द सेल। पॉजिटिव चार्जेस मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि पॉजिटिव चार्जेस किस टर्मिनल से किस टर्मिनल तक चलते हैं तो आप सामने से क्या पूछोगे? बाहर की अंदर। इफ आई आस्क यू इनसाइड द सेल व्हाट विल यू से? यस। आउटसाइड द सेल? हम किस दुनिया में रहते हैं? सेल के अंदर की बाहर? बाहर। इसलिए हमको क्या दिखता है? प्लस टू माइनस। सो व्हाट वी ऑलवेज रिमेंबर, व्हाट इज ऑलवेज टॉट टू अस लोअर क्लासेस में जो आपको पढ़ाया गया है कि पॉजिटिव चार्जेस या करंट कहां से कहां मूव करती है? प्लस टू माइनस, बिकॉज दिस इज आउटसाइड। अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। नाउ वी शुड रिमेंबर आउटसाइड इट मूव्स फ्रॉम प्लस टू माइनस बट इनसाइड इट इज ओके। नाउ इलेक्ट्रॉन्स, अभी तक का हमारा नॉलेज क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव, और पॉजिटिव चार्जेस किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इफ वी से इन दिस द पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग क्लॉकवाइज देन हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग? वेरी गुड। सो आउटसाइड द सेल हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग? माइनस टू प्लस
एंड इनसाइड द सेल प्लस टू माइनस, ये सेल है या सोर्स है. ओके, आई एम गिविंग यू दिस इन वेरी पर्टिकुलर इज, क्योंकि बाद में जब हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल जनरेटर पढ़ेंगे, उस समय आप पढ़ोगे कि जनरेटर एक सोर्स है, तो सोर्स के अंदर चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है और सोर्स के बाहर चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है. सो यू विल बी थॉरली कंफ्यूज, कभी हम लिख रहे हैं चार्ज माइनस टू प्लस जाता है और कभी हम लिखते हैं प्लस टू माइनस जाता है. नाउ यू अंडरस्टैंड बोथ आर ट्रू. प्लस टू माइनस कहां जाता है? आउटसाइड. और माइनस टू प्लस कहां जाता है? दिस इज फॉर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उल्टा, लेकिन दोनों डायरेक्शन होती है. ओके, नाउ वी कम बैक टू कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये कैसे होता है? इसके बेसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको केमिस्ट्री के टीचर पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. तो मैं केमिस्ट्री टीचर नहीं हूं, तो इसलिए मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ाता, बट आई वुड लाइक टू मेक यू क्लियर कि ये एनर्जी कहां से आती है और मैं उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में पढ़ाता हूं. ओके, हमारे पास एक कंपाउंड है H2SO4. व्हेनेवर देयर आर सम केमिकल चेंजेस द कॉन्फिगरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस चेंज. जैसे एग्जांपल्स H2SO4, HHSO4. दीज आर थ्री पार्टिकल्स, प्लस ई एंड माइनस टू ई. इस सिस्टम की अपनी एक एनर्जी होगी. इस सिस्टम की एनर्जी है, सपोज दिस एनर्जी कम्स टू बी -15. दूसरा एक हमने मॉलिक्यूल देखा, इट हैज गॉट जिंक. दिस इज वन पार्टिकल एंड SO4, सेम SO4. दिस इज अनदर पार्टिकल. अब इनके बीच में कैसे डिस्टेंसेज रहते हैं? आई डोंट नो, होंगे, वट एवर इट इज. इसकी एनर्जी हमने ये देखा कि इससे ज्यादा निगेटिव एनर्जी इसकी होती है. नाउ आउट ऑफ दीज टू विच इज एट लोअर एनर्जी लेवल, -20 इज एट लोअर एनर्जी लेवल, दैट इज ZnSO4. ओके, किसको तोड़ना मुश्किल है? तो आंसर है ZnSO4 को तोड़ना मुश्किल है. कब कोई चीज टूटती है? जब उसकी एनर्जी जीरो हो जाती है. अगर हमको इसको जीरो करना है तो इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा? 20. और इसको जीरो करना है तो कितना प्लस करना पड़ेगा? 15. तो ज्यादा स्टेबल कौन? ZnSO4. ZnSO4 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जब तक 20 नहीं मिलेगी टूटेगा नहीं, और हमने सिर्फ 15 दी तो कौन टूट जाएगा? Yes. तो किसको तोड़ना आसान है? तो ऐसे थोड़ी सी एनर्जी देने से जो एकदम से टूट जाता है, दैट इज हाईली रिएक्टिव. तो ये इस तरह से रिएक्ट करके ये दोनों के एनर्जी के लेवल्स हैं. ओके, अब हमने क्या किया? SO4 लिया और SO4 को हमने चॉइस दी कि H2 के साथ रहना है तो, और जिंक के साथ रहना है तो वो किसके साथ इलेक्ट्रोलिटिक कंपाउंड बनाएगा? विथ ZN और विथ H2. कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? एवरी सिस्टम विश टू रिमेन एट द लोएस्ट एनर्जी लेवल. तो SO4 किसकी चॉइस करेगा? ZN की, एंड इट विल ट्राई टू मेक ZnSO4. फिर से एक सॉल्यूशन हमने लिया और इस सॉल्यूशन में ये हमने H2SO4 डाल दिया, और इसमें एक हमने ये जिंक का रॉड लगाया. दिस इज जिंक. ओके, अब H2SO4 इसमें H2 के आयन है, SO4 के आयन है और जिंक मटेरियल है, ये इसमें है. अब इसमें ना एक बड़ी अजीब बात होती है. एक तो आपने ये समझा
कंपाउंड का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड का लोअर एनर्जी लेवल का मीनिंग क्या होता है, एंड एवरीथिंग वांट्स टू गो टू दी इफ थिंग्स परमिट. ओके, थिंग्स परमिट. अगर ये लोअर एनर्जी लेवल का हमको चाहिए ZnSO4, ये रहा Zn और ये रहा SO4. द मोमेंट वी मेक ए सॉल्यूशन देन इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स बिटवीन देम बिकम वेरी लेस. क्यों? क्योंकि पानी का क्या ज्यादा है, वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने से उनके बीच का फोर्स कम हो जाता है. ओके, सो हियर व्हाट वी आर गेटिंग इज प्लस प्लस, इसको ऐसे लिखना चाहिए, और हमारे पास क्या है माइनस माइनस. Zn को दिख रहा है SO4, SO4 को दिख रहा है Zn. SO4 क्या बनाना पसंद करता है? ZnSO4. क्या वो SO4 इस Zn के एक एटम को पकड़ के ZnSO4 बना लेगा? आंसर नो. क्यों? अगर SO4 ने Zn को पकड़ना है, SO4 के पास माइनस चार्ज है, तो Zn के पास क्या होना चाहिए? हाँ, प्लस चार्ज. अगर चार्ज चार्ज को ही अट्रैक्ट करता है, दिस इज रूल ऑफ फिजिक्स. अगर Zn के पास प्लस नहीं है तो SO4 उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता और ZnSO4 का फॉर्मेशन नहीं हो सकता. ओके, अब नेचर में क्या टेंडेंसी है कि SO4 H2 को दूर हटा के ZnSO4 बनाना चाहता है, Zn भी ZnSO4 बनाना चाहता है. ठीक है, तो वो क्या करना चाहेगा? तो आंसर है वो अपने एटम को आयन में कन्वर्ट करना चाहेगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन? Zn इज एटम, ठीक है, ये ओके. SO4 के साथ पेयरिंग कौन करेगा, Zn या Zn++? ये पेयरिंग करेगा. क्या Zn पेयरिंग करेगा? नहीं करेगा. तो ये Zn अगर इसके साथ पेयरिंग करके ZnSO4 बनाना चाहता है, दैट वी से दे डेवलप ए नेगेटिव पोटेंशियल. अगर ये बनाना चाहता है तो उसको क्या बनना पड़ेगा? Zn++ बनना पड़ेगा. और Zn++ बनने के लिए इसको क्या इजेक्ट आउट करना पड़ेगा? दो इलेक्ट्रॉन उसको इजेक्ट आउट करने पड़ेंगे. तो ये क्या करता है, अपने दो इलेक्ट्रॉन को बोल देता है जाओ, ये यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए. किस तैयारी में है? ये इजेक्ट होने की तैयारी में है. फिजिकली यहां नहीं है, पूरी सरफेस में वो उस सब का एनर्जी लेवल ऐसा हो गया कि वो निकलने को तैयार है. एनर्जी लेवल सबका बढ़ गया. अब वो बाहर निकल जाएंगे कब? आंसर है जब हम उनको रास्ता देंगे. दूसरा, कब बाहर निकलेंगे? जब उनको सामने कुछ पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कद किधर जाता है? सामने पॉजिटिव, तो उसको सामने कुछ पॉजिटिव चाहिए, तब वो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, तो यही खड़ा है. ओके, लेकिन ये अब हमको मालूम है कि Zn के पास एक सेना तैयार है. वो सेना किसकी है? इलेक्ट्रॉन को किस चीज के लिए तैयार है? इजेक्ट होने के लिए तैयार है. ये उसकी एनर्जी है, ये उस सेना की एनर्जी है. पूरी भीड़ बना के गेट पर आ गई, अब उसको बाहर निकलना है. गेट खोलो, जाएगी, लेकिन गेट के बाहर रास्ता नहीं है, इसलिए हम गेट खोलते नहीं. ठीक है, सामने क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव, तब वो जाएगा. ओके, सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि Zn में से इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेंगे. ये समझ आ गया आपको? इसी को हम टेक्निकल लैंग्वेज में कह सकते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में, वेन एवर वी डिप ए जिंक इन H2SO4, जिंक डेवलप्स ए लोअर पोटेंशियल. जिंक डेवलप्स ए लोअर पोटेंशियल, इसका यह मतलब है कि उसके इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाना चाहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के कारण उसका पोटेंशियल लोअर हो गया. सो जिंक डेवलप्स ए लोअर पोटेंशियल विद रेफरेंस टू द सॉल्यूशन, विद रेफरेंस टू द
सॉल्यूशन उसका पोटेंशियल लोअर हो गया. लोअर होने का मतलब क्या होता है, उसके पास कौन से चार्जेस आ गए, नेगेटिव. लेकिन उसका नेट चार्ज क्या है, अभी भी जीरो, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को निकलने का रास्ता नहीं दिया. राइट. अब इलेक्ट्रॉन निकलकर जाना चाहते हम क्या करते हैं, यहां एक कॉपर प्लेट लगा देते, कोई भी एक कंडक्टर लगा देते हैं. सो वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर इज कॉपर. ये SO4 इस तरफ जाना चाहता है. ओके. ये कॉपर प्लेट लगाकर हम इसको और इसको, एक स्विच लगाकर, एक बल्ब लगाकर कनेक्ट कर देते. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां ढूंढते, कोई प्लस है क्या, प्लस है क्या, प्लस है क्या, प्लस है क्या, और कहां तक आ जाते हैं, यहां तक. इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वाला SO4 कहां जाएगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश करता है, इसका चार्ज कौन सा डेवलप होगा, प्लस. इसमें क्या डेवलप हो रहा है, प्लस. ऊपर से कौन निकल रहा है, माइनस. जैसे ही ये जिंक यहां पॉजिटिव बनता है, ये इसकी तरफ जाएगा. यहां क्या बना, प्लस. SO4 इसकी तरफ गया, H2 का क्या होगा, ये प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल. तो H दूर हटता है और SO4 इसकी तरफ आता है. H दूर हटके ये ऐसा आया, किसको टच किया, कॉपर को. ये इसने कॉपर को यहां पर ऐसा टच किया, तो कॉपर को कांटेक्ट में आया, कॉपर के पास कौन सा चार्ज आ गया, प्लस आया इसके पास. ये इलेक्ट्रॉन किसको ढूंढ रहे, प्लस को. ये मिला प्लस, तो सब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दौड़ते हुए यहां से आया और यहां आके इस प्लस की तरफ आ गया, ये यहां पर आ गया. अच्छा, अब जैसे ही यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहां पर ये जो ZN था किसमें कन्वर्ट हो गया, फिर जैसे ही ये ZN प्लस में कन्वर्ट हुआ, इस ZN प्लस ने क्या किया, वेरी गुड, SO4 के साथ ये कंबाइन हो गया और इन्होंने क्या बना लिया, ZN SO4, ये बन गया. ठीक. तो H2SO4 का क्या हुआ, H2SO4 का हम जैसे ही सॉल्यूशन बनाते, ऐसे बना. सो दिस इज अवर रिएक्शन नंबर 1, दिस इज अवर रिएक्शन नंबर 2, दिस इज अवर रिएक्शन नंबर 3 और रिएक्शन नंबर 4. देखिए, इसका जो रिएक्शन नंबर 1 में जो SO4 निकला था, इसका फेट क्या हुआ, ZnSO4 बन गया. क्या बचा इसका, 2H. ये जो 2H बचता है, इसको कौन आकर मिला, इधर से आकर मिले, ये माइनस ने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया. अब ये क्या बन गए, एटम. दो H के एटम बने, ये दोनों H के एटम आपस में कंबाइन हो गए, मॉलिक्यूल बन गया. कौन सा, H2. H2 मॉलिक्यूल इज ए गैस. वो गैस का बबल बनता है, ये बबल और यहां से उड़ जाता है. खेल खत्म. तो इस पूरे खेल में हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन ZN से निकला और कॉपर में गया. ठीक. अब H इधर आया था, H के पास पॉजिटिव एनर्जी थी, उस एनर्जी से उसने, हम क्या बोलते हैं, जैसे ये H रिपेल होके इधर आता है कॉपर के पास, हम कहते हैं कॉपर में एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है. फिर से सुनिए, व्हेन, ये बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा इस लैंग्वेज में, When a zinc rod is dipped in H2SO4, it develops a negative potential, minus 0.7 volt. When a copper is dipped in H2SO4, it develops a positive potential,
0.6 or 0.5 वोल्ट प्लस 0.5 और उसके पास माइनस 0.7 वाई माइनस वाई प्लस बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन इन कॉन्टैक्ट. तो इसके पास पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया और इसके पास नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया. नाउ वी कनेक्ट द टू. अभी तक खाली पोटेंशियल डेवलप हुआ है एंड आई टेल यू पोटेंशियल डेवलप होने से करंट फ्लो नहीं होती. कब फ्लो होती है? व्हेन सर्किट इज कंप्लीट. तो जैसे ही हम इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जाते हैं. कितनी एनर्जी लेके? 0.7 इसकी, 0.5 इसकी. पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? प्लस 0.5 टू माइनस 0.7 दैट इज 1.2 वोल्ट. तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 1.2 वोल्ट. तो जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके पास कितनी एनर्जी होगी? 1.2 वोल्ट. जब वो उस एनर्जी से जाएगा यहां से और रास्ते में हमने ये बल्ब लगा दिया, बल्ब के अंदर उसको खूब कोलिजन करना पड़ता है, करता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी है 1.2 वोल्ट. पूरी एनर्जी से वो कोलिजन करता है, बल्ब जलता है, उसके बाद वो प्लस में वापस आ जाता है और हम देखते हैं लगातार बल्ब जलता रहता है. क्यों कंटिन्यूअस जलता रहता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस जाते रहते हैं. अच्छा, अब देखिए यहां पर एक H2SO4 है, इसके पास कौन से चार्ज हैं? नेगेटिव. ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, ये Zn प्लस बना, इधर वाला SO4 इधर अटैच हो गया, जगह खाली हुई, इसने और माइनस वाले को खींचा, ये और इधर स्लाइड हो गया, फिर एक और Zn बना, ये और इधर स्लाइड हो गया, एक और Zn बना और ये यहां जाके ZnSO4 बना लिया. तो कौन कौन इसमें ड्रिफ्ट हो रहा है? SO4 को बोलिए माइनस चार्ज. कौन ड्रिफ्ट हो रहा है? नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज यहां से ऐसे ड्रिफ्ट हो रहा है, माइनस ही, ये गया. यहां के इलेक्ट्रॉन कहां गए? ऊपर. यहां से इलेक्ट्रॉन कहां गए? इधर. यहां से इलेक्ट्रॉन कहां गए? इधर. यहां से इस तरफ और यहां से इधर, यहां से इधर, और इस SO4 का जो साथी था H2, यहां तक इलेक्ट्रॉन आए और यहां पर इसका बबल बन गया. इसका SO4 कहां गया? इधर. SO4 में कौन सा चार्ज था? तो देखिए निगेटिव चार्ज यहां से चला, यहां आया, यहां गया, यहां गया, यहां आया, फिर अगले SO4 का निगेटिव चार्ज यहां चला गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां आया. सर्किट कंप्लीट हुआ, सर्किट कंप्लीट हुआ. हमने क्या किया? हमने ये यहां पर एक कार्डबोर्ड डाल दिया. अब ये SO4 इधर नहीं आ सकता. हमने देखा बल्ब बंद हो गया. समझ गए आप क्यों हो गया? क्योंकि अगर ये SO4 यहां नहीं आएगा और ये Zn को निगेटिव नहीं मिलेगा तो ये Zn अपना निगेटिव नहीं निकालेगा. तो क्या जरूरी है कि ये वाला निगेटिव चार्ज यहां पर आए, और इसी को हम बोलते हैं इट इज नेसेसरी दैट सर्किट इज कंप्लीट. तो इसका सर्किट कैसे कंप्लीट होता है? जब उसके अंदर से निगेटिव चार्जेस जाते हैं तब सर्किट कंप्लीट होता है. तो ये मत सोचिए द करंट फ्लोज फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल, एक्चुअली करंट फ्लोज टोटल. अंदर भी करंट होती है, बाहर भी करंट होती है. समझ आया? सो दिस इज हाउ करंट फ्लो इन ए सर्किट. अच्छा, अब ये एनर्जी आई कहां से? तो आंसर है, वो तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन H2SO4 एंड ZnSO4, ये वो वाली एनर्जी. अच्छा, कब तक ये सेल चलता रहेगा? अनंत काल तक है. हाँ, कब खत्म होगी एनर्जी? देखकर बताइए. हर एक बार इलेक्ट्रॉन चलाने के लिए कौन टूटता है? यस,
फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन टूटेगा, दूसरा H2SO4, तीसरा H2SO4, तो सेल कब तक चलेगा? वेरी गुड, जब तक H2SO4 जिंदा है, ठीक है, तब तक सेल चलेगा। दूसरा और एक रीजन और बताइए, लिमिटेशंस, जब तक ZN खत्म नहीं होगा, ZN भी तो चाहिए ना हमको सामने, तो ZN अगर खत्म हो गया सेल बंद, H2SO4 खत्म हो गया सेल बंद। अब ये तरीका समझ आ रहा है कि एनर्जी कहां से कहां जाती है और सेल हमको कैसे एनर्जी देते हैं, राइट। अब एक चीज पक्का याद रखिए, जब भी किसी सर्किट में करंट फ्लो होती है, द सेम करंट एज होल करंट पास थ्रू द सोर्स, हियर सोर्स इज सेल। तो ऐसा कभी नहीं होता कि बाहर की करंट ज्यादा हो, अंदर की करंट कम होगी, थोड़ी सी चली जाएगी उसमें से, नो, फुल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अवर कंटिन्यूएशन प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड, ओके। सो दिस इज हाउ करंट फ्लोज एंड दिस इज द सर्किट। यहां पर हमने एक रेसिस्टेंस लगाया, ये रेसिस्टेंस लोड फैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग इसको नॉर्मली R से दिखाएंगे और इसका नाम हम रखेंगे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये बाहर है। जब ये इसके अंदर आता है, इसके अंदर यहां से यहां कौन चलकर जाता है? SO4 ये बड़ा होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। उतना बड़ा जब SO4 चलता है तो एटम से टकराता होगा दूसरे एटम से, और जब कोलिजन होता है तो क्या क्रिएट होता है? रेसिस्टेंस। इसका मतलब इसको भी रेसिस्टेंस रास्ते में मिलता है, ठीक है ना। भारी लिक्विड में से कोई भी चीज को आप ऐसा निकालेंगे, अपोजिशन तो होगा, वो भी एक रेसिस्टेंस इसमें होता है, एंड दैट वी कॉल एज इंटरनल रेसिस्टेंस। और इस इंटरनल रेसिस्टेंस को हम दिखाएंगे स्मॉल आर से, वो यहां होता है इंटरनल रेसिस्टेंस। सो व्हाट इज इंटरनल रेसिस्टेंस? द रेसिस्टेंस पोस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट टू द आयन। लेट्स राइट इट, इंटरनल रेसिस्टेंस। और इसको क्या मेंशन करेंगे? R। ये इंटरनल रेसिस्टेंस का रीजन आपको समझ में आ गया, द मोशन ऑफ आयंस इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें कभी कभी हमारा नॉलेज टेस्ट किया जाता है, हमने पढ़ा है रेसिस्टेंस क्यों इंक्रीज होता है, तो इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर विच कैन चेंज दिस इंटरनल रेसिस्टेंस? वी ऑल नो दैट इंटरनल रेसिस्टेंस अफेक्ट एनी रेसिस्टेंस अफेक्ट करंट इन द सर्किट। करंट किसके बराबर होती है? कैलकुलेशन, वी अपॉन आर। तो अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगी, तो ये रेसिस्टेंस के कारण इस सेल की करंट भी अफेक्टेड होगी। अब ये रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? व्हाट आर द फैक्टर्स? ओके, फटाफट नोट कर लीजिए, फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड्स। अगर आपने सेल का चैप्टर नहीं पढ़ा, नहीं याद किया है, डजंट मैटर, आपको जनरल प्रॉपर्टीज मालूम है,
जनरल प्रॉपर्टीज आपको मालूम है कि रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है. व्हाट इज दिस? पाथ की लेंथ. इससे क्या बनेगा? द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स. तो इंटरनल रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. उससे क्या चीज बढ़ जाती है? एल, लेंथ ऑफ द पाथ. एसओ फोर को कितनी दूर चल के जाना पड़ा? जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस. तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इंक्रीज इंक्रीज दी आर. दूसरा बताइए, उसी को देख के बताइए. एरिया, ये कहां है एरिया सेल में? एरिया ऑफ व्हाट? ये इलेक्ट्रोड है, इसको मैंने पानी में डुबाया, ये इतना डूब गया पानी में. इस पूरे एरिया में SO4 जाकर कंबाइंड होते. दिस इज द एरिया. अगर इलेक्ट्रोलाइट को ऐसा बढ़ा दिया, नाउ दिस इज द एरिया. ये एरिया होता है. अगर एरिया बड़ा होगा तो रेसिस्टेंस कैसा होगा? कम होगा. इसीलिए हमारी कार की बैटरी में पानी भरा रहना चाहिए. कहते हैं ना, बार बार हम लोग पानी भरते. एरिया शुड बी लार्जर, राइट? ओके. इसी से अगर आप इस कंसेप्ट को फंडामेंटली समझ गए हैं तो आपके क्वेश्चन कंसेप्चुअल दूसरे भी बन सकते हैं. व्हेन वी पोर वाटर इन अवर कार बैटरी, व्हाट हैपेंस टू इंटरनल रेसिस्टेंस? इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज. समझ आया क्यों? व्हाई वी आर इंक्रीजिंग द एरिया फॉर ट्रांसमिशन, राइट? इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन अदरवाइज आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. नाउ यू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर इट. सो लार्जर डिपिंग ऑफ इलेक्ट्रोड डिक्रीज R. अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताइए. अगर बैटरी गर्म हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट गर्म होने से, हीट होने से, हाउ डज द रेसिस्टेंस अफेक्टेड? अभी आपने पढ़ा है पिछली क्लास में. व्हाट? नो, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज इलेक्ट्रोलाइट बिकम थिन. व्हेन इट बिकम थिन इट्स रेसिस्टेंस डिक्रीज. तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज. ओके, सो temperature increase or decrease or decrease. क्यों? reason you know, लिखने की जरूरत नहीं है. what happens? the electrolyte become thin, therefore resistance decrease. अब resistance decrease होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है, क्योंकि जब रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है तो करंट का क्या होगा? करंट इंक्रीज हो जाएगी, और जब करंट किसी चीज में इंक्रीज हो जाएगी तो वो गर्म होनी शुरू हो जाएगी, और गर्म होना अच्छी बात नहीं है. आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, ठीक है? ओके, तो गर्म होने से लॉसेस होंगे, दैट इज ए लॉस ऑफ हीट
विच शुड नॉट अकर. इसलिए जब भी हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो आप देखते हो गर्म हो जाता है. वैसे ही अगर हम मोबाइल में बहुत देर तक बात करते हैं, करंट फ्लो होती है, तो भी वो गर्म हो जाता है, एंड दैट इज ए लॉस ऑफ एनर्जी. ठीक है. सो लेकिन इसका रीजन क्या होता है, देखिए, ठंडे में अगर उसका लॉस 1 joule per second हो रहा है, जब वो गर्म हो जाएगा तो करंट 2 गुना हो जाएगी, तो लॉस 4 गुना हो जाएगा. I²R, 4 joule per second हीट निकलने लगेगी, और जब 4 joule निकलने लगेगी तो वो और गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो 16 joule per second निकलने लगेगी, 16 joule per second. तो ये इस तरह से मल्टीपल होते चला जाता है. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि इस तरह से ज्यादा एनर्जी मत निकले, और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा. नहीं समझ आया, आग लग जाएगी. और आपने सुना है मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट होती है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि हम जब भी बैटरी को चार्ज करते हैं, इट शुड बी प्रॉपरली वेंटिलेटेड, यानी वहां पर हवा चलते रहनी चाहिए ताकि वो गर्म हो, उसकी हीट बाहर चली जाए. ये होना बहुत जरूरी है, और थोड़ा अपने से दूर भी रहना चाहिए. और कभी भी चार्जर, जल्दी वाले चार्जर की हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि ऐसा चार्जर चाहिए कि 15 मिनट में फुल बैटरी चार्ज कर दे, हीट भी वो जबरदस्त करेगा. ठीक है, एंड दैट इज रिस्की. एनीवे, हम लोग बैटरी की डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, सो वी वोंट डू दैट. और ये आपने बैटरी की डिटेल पढ़ी. एक चीज मैं आपको बताऊं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बैटरी, कंपोनेंट्स ऑफ द बैटरी, ये पहले आपके सिलेबस में होते थे, अभी ये सिलेबस में नहीं है. ये तो सिलेबस में नहीं है, पर इसके जितने क्वेश्चंस हैं वो सब सिलेबस में. ठीक है, जैसे व्हाट इज द कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आंसर सेल, केमिकल सेल. व्हाट हैपेंस इन ए केमिकल सेल, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. व्हाट इज इंटरनल रेसिस्टेंस, द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इंटरनल रेसिस्टेंस, यू नो दैट. ठीक है, ओके. इस तरह से सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे पूछ लेंगे, और फिर बोलेंगे बैटरी कोर्स में नहीं है. सो एनीवे, इसलिए मैंने बैटरी पढ़ाया, सो दैट यू कैन आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस वेरी वेल. एंड नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनल रेसिस्टेंस, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस हमने बहुत आगे पढ़ना है. अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो एक्चुअल हम चीज पढ़ रहे थे कि जब ये करंट फ्लो होती है, फिर से इस पे आते, ये बैटरी लगी हुई है, ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है. अब इसके अंदर जो भी है, वी आर नॉट कंसर्न्ड, वी आर कंसर्न्ड कि देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स एंड हियर इज इलेक्ट्रोलाइट. इस इलेक्ट्रोलाइट की में कुछ रिएक्शन हो रहे हैं, और उसकी एनर्जी से, फिर से एक बार मैं याद दिला दूं, कॉपर, जिंक और H2SO4, इसमें से एनर्जी कौन देता है आपको, तो आंसर है H2SO4. तो एनर्जी हमेशा कौन देता है, इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी है, और हर तरह के सेल में ऐसा ही होता है. ठीक है, आई विल गिव यू ए स्मॉल चार्ट कि हम लोग कितने तरह के सेल यूज करते हैं, और हर सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, सो दैट यू विल वंडर कि ये जो हम इसमें सेल यूज कर रहे हैं, अभी अभी मैडम ने घुमाया है, ये दिस इज व्हाट टाइप ऑफ सेल, इसमें कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें जिंक है कि नहीं है, दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है. इसी तरह से आप एक सेल देखते हो जो हम अपने मोबाइल में डालते हैं, एक सेल हम अपने कैलकुलेटर में डालते हैं, घड़ी में डालते हैं, एक सेल जो कार में लगता है. देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, सो दैट मेक्स ए वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड, दैट इज वर्ल्ड ऑफ बैटरी. और वो अपने आप में पूरी इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है, दैट इज पावर सोर्सेस, अल्टरनेट पावर सोर्सेस. एनीवे, ये बेसिक नॉलेज है, और सेल्स पर इससे ज्यादा नॉलेज आपके सिलेबस में नहीं है. यू कैन सिंपली से कि अलग अलग सेल में क्या अलग अलग होता है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स. क्या मैटर करता है
कि उन दोनों के बीच में एफिनिटी कितनी ज्यादा है, जैसे जिंक और सल्फेट इसके बीच में कितना पोटेंशियल डेवलप होता है, 0.7। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं कितनी एनर्जी लेके निकलते हैं, 0.7। अगर हम कोई ऐसी चीजें ढूंढ लें जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0.9 डेवलप होगा तो वो कितनी एनर्जी लेके निकलेंगे, 0.9। तो हमने ऐसी चीजें ढूंढी। ये वाला जो हमारा सेल है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है 1.5। मैंने जो आपको बताया 1.2, किसी में 1.3 हो सकता है, इससे और ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट में एनर्जी होती है जो हमको बाहर मिलती है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। ओके, फिर से इस पर आइए। ये जो एनर्जी होती है यहां क्या काम करती है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करती है। नाउ वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, लेफ्ट की राइट? राइट जाएगा इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन राइट जाएगा, करेक्ट। ओके, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी कहां जाएगा, राइट, क्योंकि पूरी बेल्ट ही तो ऐसी चलती है। देखिए, इसने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी एक जर्नी करने के लिए। कहां से जर्नी शुरू होती है और कहां खत्म होती है, कहां एंड होती है, देखिए। ये यहां से इलेक्ट्रॉन चला, इसके अंदर गया तो इसको बहुत सारा रेसिस्टेंस मिला और इसने अपनी एनर्जी खत्म की और उस रेसिस्टेंस को पार किया, इस फैन को चलाया। उसके बाद वो यहां से निकला, ये ऐसे चलते 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 ये यहां आया, जर्नी खत्म, नो, यहां से फिर यहां तक गया, दूसरा साइकिल यहां से शुरू हुआ, तभी तो सर्किट कंप्लीट हुआ। क्या यहां से चल के यहां तक आया तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, इतना बाकी है। यहां आकर एक साइकिल उसका कंप्लीट हुआ। अब इसने एनर्जी खर्च की 1, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट, 10 यूनिट। कितनी एनर्जी खर्च करके वो वापस अपनी जगह पहुंचा? किसने दी ये एनर्जी? सेल ने। तो हम बोलेंगे इस सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 10 वोल्ट है। एक कूलम चार्ज को ये कितनी एनर्जी देता है, 10 जूल। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, W अपॉन Q क्या होता है, वोल्ट। तो हम क्या बोलेंगे, इसका ईएमएफ क्या है, वोल्ट। कितना वोल्ट, 10 वोल्ट, क्योंकि इसने एनर्जी कितनी दी, 10 जूल। और उस एनर्जी में चार्ज कहां से कहां तक गया, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उस पॉइंट तक वापिस आया, दैट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब दो चीजें आपको कंफ्यूज कर रही हैं। हम बोलते हैं कि ये फोर्स है और डेफिनेशन में क्या आप लगा रहे हैं, इट इज एनर्जी गिवन टू ए चार्ज, तो ये क्वांटिटी एनर्जी है या फोर्स है? तो आंसर है, याद रखिए, ये मिसनोमर, यानी नाम से कुछ और दिखती है और असल में कुछ और है, ये बेसिकली एनर्जी। ईएमएफ इज व्हाट, एनर्जी, पर इसके नाम में क्या लगा हुआ है, फोर्स, क्योंकि इस एनर्जी के कारण चार्ज को फोर्स लगता है। किसी भी चीज को फोर्स लगाना हुआ है और अगर हम आपको बोलेंगे फोर्स लगाओ तो आपके पास एनर्जी होगी तो फोर्स लगाओगे ना, इसलिए एनर्जी और फोर्स मिले हुए रहते हैं और उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज फोर्स। देखिए, एनर्जी क्या होता है, वर्क डन, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, DU इज इक्वल टू फोर्स इंटू DS, तो DU बाय DS क्या हुआ, फोर्स। व्हाट इज DU, एनर्जी। तो एनर्जी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू S ही क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, DU बाय DS। तो जितनी एनर्जी होगी, जितना फास्ट उसका चेंज होगा, उतना ज्यादा हम फोर्स लगा सकते किसी चीज पर। एनीवे, फिर से इसके पास एनर्जी है इसलिए ये फोर्स लगाता है और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
ठीक है, इस पर अब और ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। और अब आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा नहीं, एक चीज और पहले समझ लीजिए, यहां से हमने डिस्कस किया था ये ऐसा आया, कितने यूनिट काम किया इसने, 10। अच्छा फिर से यहां से एक कूलम चार्ज निकला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लस आ गया, हमारी दुनिया खत्म। क्योंकि हम किस दुनिया में रहते हैं, हाँ, हमने ये बोला कि इस सेल ने जो चार्ज निकाला था यहां से, वो चार्ज यहां पर वापस हमने इसको दे दिया, उसने कितना काम करके दिया हमको, 8 जूल। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 8 है। अब बताइए उसका पोटेंशियल डिफरेंस 8 है कि 10 है। तो हमारा आंसर है दोनों है, क्योंकि हम तो क्लियर बात समझ रहे हैं ना। तो हमने ना दोनों के नाम अलग अलग रख दिए। जब एक चार्ज एक साइकिल को फुल करता है तो उसका नाम रखा ईएमएफ, और जब टर्मिनल से टर्मिनल तक चल के आता है तो उसका नाम रखा टर्मिनल पोटेंशियल। क्या नाम रखा, समझ में आ गया, ये टर्मिनल पोटेंशियल होता है। बस सिर्फ पोटेंशियल क्या होता है, वो तो हमारा पुराना दोस्त है, पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज व्हाट, वर्क डन व्हेन द चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। और इसी पोटेंशियल के दो एडजेक्टिव हमने और बना दिए, टर्मिनल पोटेंशियल व्हेन द चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल आउटसाइड, ओनली आउटसाइड। ईएमएफ व्हेन द चार्ज इज रोटेटेड फॉर ए फुल साइकिल, फुल साइकिल बोलने से अंदर बाहर सब आ गया, समझ आ गया। जनरल पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये वाला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए इस टर्म को यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो आंसर है हमको सेल चाहिए, बैटरी चाहिए, बिना बैटरी के ईएमएफ नहीं होता। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वर्क डन ऑन द चार्ज, वोल्ट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इन द सर्किट, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, वोल्ट, सब वोल्ट। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इनमें क्या डिफरेंस है। एंड आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। और ईएमएफ किसका होता है, किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी का होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस तो कोई भी दो पॉइंट के बीच में होता है। जैसे हमने बोला यहां एक लगा है, यहां एक और रेसिस्टेंस लगा है, ये दो पॉइंट के बीच जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है कि ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट्स इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें से कोई भी ईएमएफ नहीं है, ईएमएफ सिर्फ कौन है, और इस पूरे के लिए बीच में क्या चाहिए, सोर्स, सोर्स। सो ईएमएफ इज प्रॉपर्टी ऑफ ए सोर्स, इट विल बी यूज्ड ओनली फॉर विद रेफरेंस टू सोर्स। तो ईएमएफ एक बैटरी का होता है, ईएमएफ एक सोर्स का होता है, ईएमएफ सर्किट का दो पॉइंट के बीच वो वाला वोल्टेज नहीं होता, जबकि यूनिट सबका क्या है, वोल्ट, राइट। ओके, नाउ वी विल राइट डाउन What is EMF of a cell?